हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास आई है ये बोट की वॉच, स्मार्ट वॉच है दोस्तों बोट कंपनी की। तो इसको आज करेंगे ठीक। तो ये दोस्तों डेड प्रॉब्लम में है, लेकिन कस्टमर बता रहा था कि इसमें दिक्कत आ गई थी, चलते चलते बंद हुई है। तो देखिए दोस्तों, इसकी ऐसे डिस्प्ले में उतार लेंगे जैसे आपको दिख रहा होगा हार्ड पन्नी से। तो इसकी अगर ऐसे डिस्प्ले ना उतरे तो आपको एक तरीका और बताता हूँ कैसे हम आप बता सकते हैं दोस्तों। देखिए तो वीडियो कम्प्लीट देखना, तभी आपको पता लगेगा। तो हमें करना क्या, जो शेविंग ब्लेड होता है दोस्तों वो लेना है हमें। तो इसको यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से हल्का हल्का कटकाना है, ज़्यादा जोर नहीं करना दोस्तों। अगर डिस्प्ले भी टूट सकती है और ये ब्लेड हाथ में भी लग सकता है, तो बिल्कुल सावधानी से काम करना दोस्तों। देखिए ये ब्लेड इसमें लग चुका है। तो इसके ऊपर ग्लू रिमूवर आता है लिक्विड दोस्तों, वो डालेंगे, थोड़ी थोड़ी बूंदे करके डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर ज़्यादा डालोगे तो डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। तो जैसे कि हम इसमें डालेंगे तो ये नीचे की इसकी जो गम लगी होगी वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, और ब्लेड के साथ हल्का हल्का उठाएंगे। तो देखिए डिस्प्ले उठ चुकी है। तो इसको अब बाकी हम ओपनर से या नाखूनों से थोड़ा थोड़ा इसको अलग कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो गम लगी है उसको छुटा लेंगे ऐसे, जिससे कि ये फिर भी डिस्प्ले अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए डिस्प्ले खुल चुकी है यहाँ तक। तो अब इसका ये पत्ता है, पत्ता भी निकाल लेते हैं ऐसे दोस्तों। बाकी डिस्प्ले है बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलेगी, कहीं से क्रैक वगैरह कहीं से टूटी नहीं है। तो इसका पत्ता भी हमने अलग कर लिया। देखिए दोस्तों डिस्प्ले बिल्कुल साफ़ निकल चुकी है। तो अब देखते हैं इसके अंदर और क्या दिक्कत है दोस्तों। देखिए तो अब क्या करेंगे, इसमें जो भी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये अपने इस पर पॉलीथीन की टेप लगी हुई है, तो इस पर और नट वगैरह सारे खोल लेंगे, इसके सारे एक एक चीज़ इसकी खोल लेंगे, जो तारे वगैरह हटानी होंगी वो उठा लेंगे। तो डिस्प्ले को इसकी प्लेट को बाहर निकालते हैं, सॉरी प्लेट को बाहर निकाल के इसमें आगे देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो इसकी बैटरी वगैरह को भी निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए आपको बैटरी के तारे भी इसमें दिख रही होगी, तीन तारे दी गई हैं, शायद यही बैटरी के तारे हैं। तो बाकी इसके पत्ते वगैरह को अलग कर लेंगे। तो प्लेट को उठा लेते हैं दोस्तों। देखिए प्लेट को यहाँ से उठाएंगे और उठा के चेक करेंगे, बैटरी वगैरह को चेंज करके देखेंगे। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने इतना खोल लिया, तो ये आपके बैटरी के तारे दिख रही होंगे, तीन तारे दी गई हैं इसके अंदर, रेड येलो और ब्लैक। तो हमारे पास जो भी बैटरी आती है दोस्तों वो दो तारों वाली है। तो देखते हैं दो तार वाली बैटरी इसमें तीन तारों वाली में लगा के काम करेगी या नहीं करेगी दोस्तों। तो इसको उतार लेते हैं फटाफट उतार के। और ये बैटरी देखिए हमारे पास 300 mAh की बैटरी है दोस्तों ये, तो इसके अंदर दो तारे हैं रेड और ब्लैक है। ये 300 mAh की बैटरी जो दोस्तों, और ये जो इसके अंदर वॉच के अंदर लगी हुई है 230 mAh की बैटरी है दोस्तों, इसके अंदर तीन तारे। तो हम ये बैटरी इसमें चेंज करके देखेंगे दोस्तों, दो तारे वाली बैटरी सही तरह काम करेगी या नहीं करेगी इसमें। तो फटाफट लगा के देखते हैं इसको, यहाँ पे लगाने के बाद अगर चलती है तो दोस्तों ठीक है। तो हमने दोस्तों देखिए लगा ली है इसके अंदर बैटरी बिल्कुल, और हमारी वॉच है ऑन भी हो चुकी है। तो आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, देखिए ये वॉच है जो ऑन हो चुकी है, काम सही करेगी। तो अब इसको कर देते हैं दोस्तों फिट। देखिए पहले एक बार चेक कर लेंगे फिट करने पहले, टच वगैरह सही काम कर रही है। देखिए बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों, ये सही तरह जो बैटरी इसमें डाली है सही काम कर रही है दोस्तों। बाकी चार्ज वगैरह लगा के देख लेंगे, और जो जैसे इसको मैंने खोला था वैसे इसको फिट कर लेंगे। और देखिए दो बैटरी है जो तीन तारों वाली है इसमें, ये दो तारों वाली बैटरी भी काम सही तरह कर रही है दोस्तों। और लाइट है डिस्प्ले की सही तरह कम ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रही है अभी लग तो दोस्तों। बाकी इसको करते हैं फिर दोस्तों, इसको फिट कर लेंगे जैसे कि आपने खोला था इसको वैसे ही हम फिट कर लेंगे। बाकी इसमें पेस्ट वगैरह लगा लेंगे, हल्के लिए गम लगा लेंगे डिस्प्ले के ऊपर, उसके बाद इसको अच्छी तरह दबा के रबड़ वगैरह लगा के इसको डिस्प्ले को अच्छी तरह मजबूती से चिपका देंगे, जिससे कि सही तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है दोस्तों। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।